पटियाला कलैश एज ए लैसन फॉर भगवंत मान, पंजाब नीड्स मोर दैन डेली मॉडल। कि उन्होंने उन्होंने इसलिए नहीं फड़िया कि भी जे उन्होंने खालिस्तान मुर्दाबाद वालों नूं रोक दिता है तो उन्होंने सरकार ते लेबर लग जाएगा एंटाई हिंदू ने। उन्हें कहा जी खालिस्तान ते इन्ना तुसी की रौला पा रहे हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिहड़ा इहदे ते क्या है कि पीसफुली कहा जा सकता है, पर फॉरन आम आदमी पार्टी ने उन्होंने पार्टी चो कढ़ता है। अरविंद केजरीवाल सेइंग दैट ए हिंदू टोल्ड हिम दैट दे आर फीलिंग अफ्रेड इन पंजाब एंड राहुल गांधी एक्यूजिंग आम आदमी पार्टी ऑफ हैविंग लिंक्स विद मिलीटेंट्स। ईवन जून 84 के घल्लूघारे के मौके, क्योंकि ऑलरेडी एक माहौल सिद्ध दिता गया है सिख आज़ादी के नाल पंजाब दे विच घल्लूघारा 84 की दुखद याद नूं मना नहीं सकणगे। स्टेट ने जे क्रश करना किसी नूं मूवमेंट नूं बंदियां नूं सिखां नूं हरास करना, उन्हां नूं सूट करदा है कि वह इनू कम्यूनल इशू बनाण, इस नूं हिंदू सिख इशू बनाया जाए। व्यूअर्स वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करांगे कि पटियाला विच हिंदू शिवसेना वालों सरकार दी शह ते की गई गुंडागर्दी नूं इक कवर दे तौर ते जिहड़ा वरत्या जा रहा, तां कि जून दे पहले हफ्ते घल्लूघारा 84 दी जिहड़ी 38वीं सालाना याद दे समागमां नूं सीमित किया जा सके। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हां। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुनने एंड लिखण लई तुहाडा सबदा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो ड्यूरिंग द ब्रेक असी देख रहे सी कि यूट्यूब ते साडे वीर रमजन मान जी ने मैसेज लिखा कि पाकिस्तान दे उत्ते भी गलबात होए, और जाहिर है कि इस वेले जिहड़े पाकिस्तान दे कुछ शो मेरे भी फेवरेट रहे ने अजकल मैं देखने आलमोस्ट बंद कर दिते ने, क्योंकि इन्नी जबरदस्त पोलराइजेशन हुई हुई है कि पहले 2-4 मिनट तुहानू पता लग जांदा है कि कौन किहदा पक्ष लै रहा है। और जदों किसी सोसाइटी च इस लैवल ते डिवीजन होए, जदों कि चैलेंजेस इन्ने वड्डे ने, असी इंटरनेशनल चैलेंजेस देख रहे हैं, यूक्रेन दे हवाले नाल यूरोप ऑलरेडी साकिन हुंदा चला जा रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चों पाकिस्तान उत्ते उहदी जिहड़ी है उहनां दी IMF दी तलवार लटक रही है, और इस सारे चों पाकिस्तान दीआं इंस्टीट्यूशनस दे उत्ते एक तो बाद एक जुडिशरी इलैक्शन कमीशन और ईवन आर्मी उसनों भी तुर लिया गया उस सारी डिबेट च। ये बड़ी खतरनाक डिवाइसिव फ्रेटरीसाइडल और घरेलू खाना जंगी वाल पुश करने वाली स्थिति है। सो असी हमेशा जदों असी ये गल करते हैं कि भाई असी पाकिस्तान दे खैर ख्वाह हैं, साढ़े लई साड़ी वो पाक धरती है, साडा मक्का मदीना उस धरती ते ने ननकाणा साहब करतारपुर साहब तहजीब दियाँ सांझां, और जिस कदर पाकिस्तान दे साडे मुसलमान वीर भैणां सिखां नूं प्यार करदे ने, मैं तां हर रोज़ मेरे मन च हुंदा है कि काश उत्थे कोई इस किस्म दा कॉमन बॉन्ड वाला इंसान जां संस्था सामने आए, ये सारा जिहड़ा एक डेडली गल बनदी जांदी है इहनूं रोके। अदरवाइज़ जो नज़र आ रहा है बाकी कंस्पीरेसी बाहर दी है जां विद इन है जां दूसरा है, लेकिन इस वेले जिहड़ी गल और जदों असी दुश्मन देखते हैं भी चार चुफेरा एनमी जिहनूं कदे पंजाबी च कहिंदे सी कि कल्ली जिंद सारा तख्त हज़ारा है, उस वांग भारत दीआं नीतियां की ने, सी पैक नूं लै के इंटरनेशनल साजिश की है, गुआंढ अफगानिस्तान उन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਬੰਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉਹ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਿਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨੋ ਰਿਟਰਨ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਮਖਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਕਜ਼ਹਿਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਈਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ
और अमजद खान मान जी असी इस गल की दुआई की कि रब पाकिस्तान नू सलामत रखे और उत्थे जिहड़े आ आपसी सहचार सांझा और तरक्की होए और ये जिहड़ा इस वेले एक जिस किस्म की हालत बनी हुई है इस तो रब निजात दे। गल असी कल जदों पंजाब दे विच किवें आम आदमी पार्टी भारतीय खुफिया एजेंसियां की खेड खेड रही है पटियाले दे विच किवें खुली रोप दित्ती गई हिंदू शिवसेना नूं जिन्हां दियां खुलियां धमकियां सी और इहदे बावजूद कि बलजिंदर सिंह परवाना होए जां दूसरियां सिख जथेबंदियां वो पुलिस नूं जा के बिफोर उन्होंने मेमोरेंडम भी दिते और दूसरे भी कि भाई ये सारियां नूं रोको और इहदे बावजूद किस हालां जिहड़े दो तीन किस्म के शरारती जिहड़े सिक्योरिटी लै के बैठे ने और जिन्हां दा ईवन हिंदू भाईचारे दे विच भी कोई थां नहीं है क्योंकि जिस अंदाज दे विच फिर उसकी छतरौल हुई हिंदू भाईचारे ने ही की उस शिवसेना वाले दी उस तो लगता है पर ऐसा की कारण है और मैं अज ही एक स्टोरी इस दे उत्ते आदित्य मैनन की बड़ी डिटेल दे विच सी शायद हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी है जिहदे च उन्हें कहा कि पटियाला कलैश एज ए लैसन फॉर भगवंत मान पंजाब नीड्स मोर दैन डेली मॉडल लेकिन ये जड़िया उन्हें दो तीन इस उन्हें कहा कि भी ये बावजूद कि ये गल जाहिर सी कि भाई दोवें पास्यों टेंशन बिल्ट हो रही है क्योंकि शिवसेना कर रही है फिर काली माता का मंदिर और गुरद्वारा दुख निवारण आलमोस्ट किलोमीटर डेढ़ एक दो किलोमीटर के फर्क के उत्ते ने लेकिन उन्होंने कहा भी क्यों कि जिहड़ी भगवंत मान गवर्नमेंट है वह अनअवेयर फड़ी गई उन्होंने पार्ट नहीं सी और वॉज इट अफरेड ऑफ बीइंग टैगड एज हिंदू इंडिया एंटी हिंदू और प्रो खालिस्तान इफ इट क्रैक डाउन ऑन ए प्रोटेस्ट लेबल्ड एज खालिस्तान मुर्दाबाद उन्हें कहा भी कि उन्होंने उन्होंने इसलिए नहीं फड़िया कि भी जे उन्होंने खालिस्तान मुर्दाबाद वालों नू रोक दिता है तो उन्होंने सरकार से लेबर लग जाएगा एंटाई हिंदू ने यह गल ज़्यादा ठीक है क्योंकि केजरीवाल की तुसी इलैक्शन कैंपेन देखो उहदे च आ के उन्हें कोट करके कहा सी कि जी देखो मैनू जिहड़ा है वो एक हिंदू वीर ने आके केजरीवाल ने कहा भी असी बहुत असुरक्षित हैं और इस सारे दे चलदे हैं और उहदे च इन्हें भी उन्हों कोट किया है कि भाई ये जिहड़े ने केजरीवाल ने खुद कहा सी कि जे उहदा टू प्रिवेंट एनी सच वायलेंस रिक्वायर्स पोलीटिकल विल है उन्हें एडवाइस की है और उन्हें कहा भी ये पहला तो मोदी ने आके वह माहौल सिरजिया सी कि जी संदेशा दे देना चन्नी जी को कि जिंदा वापस जा रहा हूँ है और उहदे थले उन्होंने कहा इन्हें आदित्य मैनन ने कि हालात वो सी कि सिखा नू नवंबर 84 दियां धमकियां मिल रही सी और आलमोस्ट सी कि भई ये मोदी की सिक्योरिटी नू लैके जां मोदी की जान नू खतरा जां मोदी नू मार देना सी सिखा ने ये कह के आलमोस्ट वो मोमेंट्स क्रिएट कर दित्तियां गईयां सी फिर उन्होंने कहा कि भई सुनील जाखड़ सेंग ही वॉज ट्रीटिड अनफेयरली फॉर बीइंग हिंदू उन्होंने कहा जी सुनील जाखड़ ने भी कहा जी मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं हिंदू सी दैन अरविंद केजरीवाल सेंग दैट ए हिंदू टोल्ड हिम दैट दे आर फीलिंग अफ्रेड इन पंजाब एंड राहुल गांधी एक्यूजिंग आम आदमी पार्टी ऑफ हैविंग लिंक्स विद मिलीटेंट्स हुण तुसीं सारियां सियासी धिरां दा देखो केजरीवाल आके कह रहा है कि भाई जी पंजाब दे एक हिंदू ने आके मैनू कहा जी असी तो बहुत डरे हुए हैं बहुत बुरी तरह और राहुल कह रहे हैं जी इन्हां दे तां संबंध ही मिलीटेंट्स ने नाल ने और वो जिहड़ा राम विश्वास के कौन है वो कुमार विश्वास उन्हें तो बिल्कुल ही इनू जिहड़ा है वो खालिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया हुण ये हालातों च जिस अंदाज च ये सारी खेड प्ले की जा रही है हुण जिहड़ा इमीडिएट पिछले आलमोस्ट डेढ़ महीना हो गया भगवंत मान नूं बने जिहड़े इशू सामने आए कि चंडीगढ़ किवें उस दे उत्ते उन्होंने सीधे तौर पर सेंटर ने कंट्रोल कर लिया भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट चो दो मैंबर भी पंजाब दे हटा दते राज्यसभा दे पंजां चो चार मैंबर नॉन पंजाबी जिहड़े पैसे लै के उन्हें केजरीवाल ने खड़े किए हुण इस सारे दे चलदे आ और ये पंजाब दे हिंदुआं दे इनसिक्योरिटी का मुद्दा जिहड़ा केजरीवाल ने चुकिया है और इहदे बावजूद कि पटियाले च इस किस्म दे हालात बने ने चंडीगढ़ बैठे भगवंत मान लई पटियाले का दौरा किन्ना क औखा सी क्यों नहीं गया सो उस तो मैनूं ये लगता है
कि एक पासे तो सिक्योरिटी इशू लॉ एंड ऑर्डर के नाँ थले इन्हां ने जिहड़ा सिख नसलकुशी का दरवाज़ा खोल दिता है। ऑलरेडी ये सारी गल खाते च दूजिया के पाण की कोशिश की कि जी वह मास्टर माइंड परवाना गिरफ्तार पहला दौड़ गया परवाना फिर आ गया। सो वो मतलब ये कि तुम सिखा ब्लेम करो मीडिया जोड़ा उन्होंने उस किस्म दियाँ ही जोड़ा तलवारा लैके जा रहा दिन पिक्चर दिखा रहा है लेकिन जिन्होंने कोई खुद पथरा नहीं किया किमें उस मंदिर की छत तो पत्थर और कितने से पुलिस जिन्होंने उन्होंने रोकया नहीं है जो टकरा तक गल आती है ये सारे न पासे फिर जिहड़ा एस एस पी या एस पी अपनी जान नू खतरे च पा के मौके दे उत्ते वायलेंस नू रोकदा उन्हां नू ट्रांसफर करके दूसरे उस एस एस पी नू लियाणा जिहदा ऑलरेडी गंदला रिकॉर्ड है। ईवन रणजीत सिंह कमिशन ने बैबल कलां जिहड़ा गोड़ी कांड है उस दे विच उन्हूं कवरअप दे लई दोषी दस्या होया। हुण इस सारे दे चलदे अजे क्योंकि बहुत सारे पटियाला ईवेंट पटियाला कलैश दी गल कर रहे ने पर मैनू ये नज़र आ रहा है भी ऑलरेडी उन्होंने शिकंजा कस दिता है ब्लेम गेम सिखां दे खाते च पाई हुई है और इस दे चलदे आ जदों असीं गल कर रहे हैं अज 3 मई का दिन है और आलमोस्ट 4 हफ्ते बचे ने घल्लूघारा 84 की याद जिहड़ी जून 84 दे नाल जुड़ी हुई है हर वार जिहड़ा इस नूं ना सिर्फ अकाल तख्त साहब ते सिख नौजवानों वालों जथेबंदियों वालों सिख संगतों वालों मनाया जाता है थां थां समागम भी हुंदे ने और इस सारे नूं लैके भी ऑलरेडी इस किस्म की जिहड़ी जाली शिवसेना ये इन्हां दियां एजेंसियां ने क्रिएट की हुई है वह कई बार फौजियों के लिए रखते हैं जी जिहड़े फौजी भारत के जिन्ह ने देश की रक्षा लई जून 84 च उन्होंने कहण मुताबक शहीद होए उहदा असीं यज्ञ करना है हवन करना है। सो ऑलरेडी ये क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के इशू नूं इवें खड़ा कर दिता गया और मैनू ये लगता है भी इस चों बहुत कुछ जिहड़ा ना सिर्फ सिख नसलकुशी दे लई जां माहौल सिरजिया जा रहा है ये दसण दे लई कि भी बाकी इशू सारे बैक ट्रैक ते पा दते 18 महकमे जाके भगवंत मान सरेंडर कर आया दिल्ली वो सारा एक पासे हो गया हुण यही है सुरक्षा नूं और मैनू लगता है भी इस बार ईवन जून 84 दे घल्लूघारे दे मौके क्योंकि ऑलरेडी एक माहौल सिरज दिता गया है सिख आज़ादी दे नाल पंजाब दे विच घल्लूघारा 84 की दुखद याद नूं मना नहीं सकणगे। और एक गल जिहड़ी सब तो अफसोसनाक है कि इस सारे पीरियड च जदों पंजाब दे विच जुझारू लहर भी जोर दे नाल चलदी सी इह कदे भी सिख हिंदू इशू नहीं सी नेवर और साडा भी हमेशा यह कहना हुंदा कि भाई असीं यह कोई लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है ये इंडियन स्टेट के खिलाफ है पर स्टेट ने जे क्रश करना है किसी नूं मूवमेंट नूं बंदियां नूं सिखां नूं हरास करना है उन्हां नूं सूट करदा है कि वह इनू कम्यूनल इशू बनाण इस नूं हिंदू सिख इशू बनाया जाए। हालांकि नवंबर 84 च जदों कि भारत भर च सिखां नूं हिंदूतवी पीड़ा जां कांग्रेस लैड पीड़ा ने जिहड़ा कोह कोह के मारिया पर पंजाब दे विच एक भी इंसीडेंट ऐसी नहीं हुई जिहदे च कि सिख पीड़ा ने इकट्ठे हो के किसी हिंदू दे कारोबार नूं अग लाई होए किसी नूं मारिया होए क्योंकि यह है ये बेसिकली खिलाफ असीं तां वैसे भी किसी भी बेगुनाह के मारे जाण दे खिलाफ हैं और सिख इशूज़ दे विच जां सिख धर्म के मुताबिक तां असीं बिल्कुल ही जिहड़ा है वह पाबंद है कि भाई हर इंसानी जिंदगी कीमती है लेकिन जिस पासे खुफिया एजेंसियां इस गल दा ध्यान जिवें सुखदेव सिंह पत्रकार ने कल कहा सी कि भाई 3 इस वेले खसम ने पंजाब दे इक चंडीगढ़ बैठा है भगवंत मान पर उहदा खसम अगों केजरीवाल बैठा है इन्हां सब दा खसम जिहड़ा प्यो है वह अमित शाह और अजीत डोवल बैठे ने ते पंजाब नूं इन्हां ने पड़था बना के छड्डणा है जिहड़ी इन्हां दी अल्टीमेट लाइन है और ये घल्लूघारे तो पहला जून 84 तक पहुँचते हैं होर भी इन्हें अगले 2-3 हफ्तों कुछ वाकयात एजेंसियों वालों करवाए जा सकते हैं ताकि जी इना दी आयरन फिस्ट पॉलिसी है जिमें केजरीवाल ने कहा कि दबा देंगे असी ये कर देंगे वह कर देंगे और उन्होंने अपने हिमाचल सैल दे एक बेदी नाँ के बंदे ने जिहड़ा मंडी बेस्ड है एक ट्वीट किया उन्हें कहा जी खालिस्तान ते इन्ना तुसीं की रौला पा रहे हो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी जिहड़ा इहदे ते क्या है कि पीसफुली क्या जा सकता है पर फॉरन आम आदमी पार्टी ने उन्होंने पार्टी चो कढ़ता है उन्होंने कहा जी साडियां नीतियां दे खिलाफ है। सो मतलब यह है भी तुसी सुप्रीम कोर्ट नूं नहीं मन दे
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।